सरकार बन गई, आपको क्या कहना चाहेंगे, कैसा राजनीतिक हो? ये जनादेश का सम्मान है। हम जब चुनाव में जा रहे थे तो गठबंधन में हम जिनके साथ में गए उन्होंने जनादेश का सम्मान नहीं किया। लोकतंत्र में ये आवश्यक था कि सरकार बने और सरकार वहां पर द्रुत गति से कार्य करे। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई है, हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री एनसीपी से बने हैं और हम सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे। ऐसा क्या हुआ, इतने मंथन चल रहा था, काफी दिनों से चर्चाएं थी, उद्धव ठाकरे सीएम बने के तमाम तरह की चर्चाएं हो रही थी, अचानक एक रात में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और एनसीपी में गठबंधन और बीजेपी के साथ? जब हम गठबंधन के साथ चुनाव में गए और हमें जनादेश मिला तो शिवसेना ने उस विषय पर उस जनादेश का सम्मान नहीं किया। लगातार उन्होंने जिन विषयों को कहा वो विषय कहीं पर हुए ऐसा पहले मेरी जानकारी में नहीं है। विषय जनादेश अगर साथ में मिला है, गठबंधन के साथ मिला है, तो वो विषय पहले ही क्लियर होने चाहिए थे। शिवसेना ने उस विषय पर राजनीति करी और ये राजनीति उन्हें कहीं ना कहीं भारी पड़ी। अति महत्वाकांक्षा नहीं पारित शिवसेना वाले सीएम बनने के लिए साथ? मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है। उनकी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, लेकिन जो हमारे साथ में नहीं आए, हमने सरकार बनाई है। मैडम, महाराष्ट्र मत प्रभावित थी, आपने भी काफी मेहनत किया, अनिश्वर जी का भी काफी योगदान रहा, उसके कारण सरकार बनी हुई है महाराष्ट्र में, तो ये पूरा जो सामंजस्य बैठाया गया था किस तरीके से था आज जो सरकार बनी? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत गहनता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ सभी विषयों पर विचार विमर्श करके एक बड़ा निर्णय किया है। एक व्हाट्सएप पे चल रहा है, वेब पे चल रहा है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे पिता लगते हैं अमित शाह जी का, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उस विषय पे कुछ कहने का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि ये प्रजातंत्र का सम्मान है, हम केवल इतना ही कह सकते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना काफी हावी है और अभी इस तरह से जिस तरह से एनसीपी और बीजेपी ने गठबंधन कर सरकार बनाई है, तो कैसे समन्वय बैठा पाएंगे? कहीं कुछ बात विरोध वासा शिवसेना हावी इस टाइप कुछ हो? राजनीति में कभी कोई हावी हो वो हमेशा हावी रहेगा, ये मुगालता किसी को नहीं होना चाहिए।